हेलो दोस्तों, कहते हैं कि कुदरत जीवन में हमें वही वापस लौटा कर देती है जैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ करते हैं। इसी थीम पर एक छोटी सी कहानी है। यह कहानी है एक गरीब लड़के की जिसकी हालत बेहद खराब थी, लेकिन उसे पढ़ाई लिखाई का बेहद शौक था। इसलिए वह अपने स्कूल की फीस भरने के लिए लोगों के घर घर जाकर सामान बेचा करता था, ताकि वह अपने स्कूल की फीस भर सके और अपनी पढ़ाई जारी रख सके। ऐसे ही एक दिन तेज गर्मी में वह लोगों के घर घर सामान बेचने जा रहा था। रास्ते में उसे बहुत भूख लगने लग जाती है, तो वह सोचता है कि इस बार मैं जिस घर के अंदर सामान देने जाऊंगा वहां पैसे के बजाय थोड़ा सा खाना मांग लूंगा। यही सोचकर वह हिम्मत करके एक घर के आगे जाता है और घबराते हुए डोर बेल बजाता है। जब दरवाजा खुलता है तो सामने एक लड़की आकर खड़ी होती है। लड़का उस लड़की को देख थोड़ा सा घबरा जाता है और उस लड़की से हड़बड़ाहट में एक गिलास पानी मांगता है। लड़की किचन के अंदर पानी लेने जाती है और वह सोचती है कि लड़का पसीने से तर बतर है, और उसकी हालत देख वह यह समझ जाती है कि लड़के को असलियत में भूख लगी है। तो वह पानी के साथ साथ दो रोटी और थोड़ी सी सब्जी उस लड़के के लिए लेकर चली जाती है। लड़का रोटी और सब्जी खाकर और पानी पीकर लड़की का धन्यवाद देता है और उसे कहता है कि आप अब मुझसे थोड़ा सा सामान ले लीजिए। तो लड़की कहती है, मुझे किसी सामान की कोई जरूरत नहीं है, और मेरी मम्मी कहती है कि कभी भी जब आप किसी की भलाई करें तो उसके बदले में उससे कुछ ना लें। और उस लड़के को धन्यवाद कह के वहां से वह लड़का निकल जाता है। रास्ते में चलते चलते वह लड़का सोचता है कि अभी भी इंसानियत जिंदा है, और वह इस बात के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करता है कि आज इस लड़की ने मुझ जैसे भूखे को खाना खिलाया। धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है और वह लड़का दिन रात पढ़ाई करके मेहनत करके पास ही के एक बड़े शहर में डॉक्टर बन जाता है। तभी इस लड़की का भी बड़ी हो जाती है और एक दिन इस लड़की को एक गंभीर बड़ी बीमारी लग जाती है। वहां पर छोटा शहर होने के कारण डॉक्टर कहते हैं कि इस लड़की की बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, आप इसे किसी बड़े शहर में बड़े डॉक्टर को दिखाएं। तो यह लड़की सौभाग्य से उसी हॉस्पिटल के अंदर जाती है जहां वह लड़का डॉक्टर बन चुका होता है। लड़के के सामने लड़की की पूरी फाइल आती है। लड़का जगह के नाम को देख के लड़की की पूरी हिस्ट्री पता लगाता है, तो उसे यह याद आता है कि शायद यह उसी घर की रहने वाली वही लड़की होगी। वह जाके उस पेशेंट की शक्ल देखता है तो वह यह कंफर्म हो जाता है कि हाँ, ये तो वही लड़की है। लड़का उस लड़की को बचाने के लिए एक्सपर्ट्स डॉक्टरों की राय लेता है और दिन रात मेहनत करके उस लड़की की जान बचा लेता है, और धीरे धीरे वह लड़की उस गंभीर बीमारी से रिकवर होने लग जाती है और स्वस्थ होने लग जाती है। एक दिन जब लड़की को छुट्टी देने का दिन आता है, तब लड़की के पास एक लिफाफा आता है जिसके अंदर उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स होती है। लड़की लिफाफे को देख के थोड़ा सा डर जाती है, क्योंकि उसके पास उस महंगे हॉस्पिटल के देने के लिए बिल के पैसे नहीं होते। धीरे से वह उस लिफाफे को खोलती है और देखती है कि उसमें उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स के साथ साथ एक स्लिप होती है जिस पर लिखा हुआ होता है कि अब तुम पूरी तरह ठीक हो चुकी हो और बहुत जल्द तुम अपने घर जा सकती हो, और बिल की चिंता मत कीजिएगा क्योंकि इस बिल का भुगतान तुमने कई सालों पहले एक गरीब भूखे लड़के को रोटी और सब्जी खिला के चुका दिया था। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी प्रेरक कहानी। जितना हो सके, जिस उम्र में भी और जितना आपके पास उपलब्ध हो, आप किसी की मदद कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है और जीवन में किसी न किसी दौर में वही भलाई आपके सामने लौट कर आपको वापस उससे ज्यादा मिलेगी। यह एक थी एक छोटी सी प्रेरक कहानी। जल्दी मिलेंगे ऐसी ही नई दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त निखिल आप सबसे अलविदा चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।